गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको साइंस की वाली बुक निकालनी है, क्लास सेकंड। आज से हम क्या करेंगे, हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। जिन बच्चों का वर्क नहीं हुआ है तो वो अपना वर्क करना शुरू कर दे वापस से, है ना। आप लोगों का अगर वर्क बाकी है किसी बच्चे का तो आप इसमें से वर्क कर ले। हम वापस ही लेसन पढ़ रहे हैं और आप बुक खोल के बैठी मेरे साथ, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ उसको वापस से, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे, है ना। लेसन नंबर फर्स्ट है टाइप ऑफ प्लांट्स, पेज नंबर 11, ठीक है। बुक निकाल लीजिए और देखिए जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। आपको पढ़ाई करनी है मेरे साथ, ठीक है ना। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो है ना कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप के और साइज के होते हैं। लुक एट द पिक्चर, जो ये पिक्चर दिखाई गई है ना, गिवन बिलो राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड वेदर द प्लांट इज अ बिग प्लांट, अ स्मॉल प्लांट, अ क्लाइंबर और अ क्रीपर। ये हमें जो ये डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर, ये देखिए आप, इसमें जो ये फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें हमें भरना है कि ये कौन कौन से प्लांट है। तो ये देख रहे हैं आप, ये बिग है, बिग ट्री है ये, ठीक है, बिग ट्री है ये। ये जो यहाँ फ्लावर्स वाला जो ये आप प्लांट देख रहे हैं ये स्मॉल है, ठीक है। इसके बाद ये जो जमीन पे जो फैलते हैं ना उसे क्या कहते हैं, क्रीपर्स, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेपर पे आ जाएं। टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द साइज एंड द टाइप्स ऑफ स्टीम प्लांट एंड ऑफ डिफरेंट टाइप, जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के, उनकी स्टीम भी अलग प्रकार की होती है, कई बड़े होते हैं, कई छोटे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं ना जो ये प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ठीक है। ट्रीज, सम ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सम प्लांट्स आर बिग एंड टेल, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड बॉडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, एग्जाम्पल्स आर बैनियन, नीम एंड मैंगो ट्रीज। तो जो ये ट्रीज होते हैं ना वो बड़े और लंबे होते हैं, ठीक है, और ये मोटी, बहुत मोटी लकड़ी के बने होते हैं। इन्हें इसको क्या कहते हैं, ट्रंक्स कहते हैं। ये देखिए आप, ये जो मोटी लकड़ी का जो तना होता है ना उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक्स बोलते हैं। और ये इन बड़े बड़े पेड़ों, इनको क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैनियन, नीम का तो आपने देखा ही होगा, नीम तो कई घरों में होते हैं ना, आपने कई बार रोड पे भी देखे होंगे, नीम तो सभी बच्चों ने देख रखा होगा। मैंगो का ट्री भी देख रखा होगा, मैंगो का भी कई जगह होता है, कई घरों में भी होता है ना, बट तो उन जो बड़े बड़े होते हैं ना उनको ट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं श्रब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉल, तो ये क्या होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, दे हैव वुड स्टीम, और इनकी भी छोटी लकड़ी की पतली स्टीम होती है, सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स, इन ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर रोज, तुलसी एंड हिबिकस प्लांट्स, ठीक है। तो जो रोज होता है, रोज का पौधा देखा आपने, पतली पतली लकड़ियों का होता है ना, पकड़ी पतली लकड़ियाँ होती है उसके अंदर। और कई पौधे ऐसे होते हैं जो गमलों में भी लगाए जाते हैं, कई है, हम एक क्यारी बना के उसमें भी लगाते हैं, तो वो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उन्हें श्रब्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है, रोज, तुलसी, इनका, है ना। अब है हर्ब्स। सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टीम, ये छोटे प्लांट होते हैं और इनकी स्टीम भी बहुत सॉफ्ट होती है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, इन क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर मिंट एंड कोरिएंडर प्लांट्स एंड वाटर प्लांट्स सच अज द लोटस। और एग्जाम्पल्स इसके हैं जैसे पुदीना हुआ, हरा धनिया हुआ, और ये जो लोटस, जो पानी के अंदर देखा आपने जो लोटस होता है, जो कमल होता है वो, तो इनकी सबकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही पतली और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होती है, एकदम से जैसे हम ज़्यादा तेज़ दबा दें तो वो टूट जाती है। आपने पालक देखा होगा, हरा धनिया, पुदीना, ये सब देखा ना, ज़्यादा तेज़ आप दबा के देखो उनको, टूट जाते हैं ना, वो बेकार हो जाते हैं ना, हाँ, तो उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। क्लाइंबर्स, सम
प्लांट्स हैव वीक स्टीम एंड दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स। और जो ये क्लाइंबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और उनको सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के सहारे हमें खड़ा करके बड़ा करना पड़ता है। व्हील्स वॉल्स और स्टिक्स टू स्ट्रॉन्ग अपराइट सच प्लांट्स आर क्लाइंबर्स। और ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक होते हैं, पतली सी उसकी डंडी होती है जो लकड़ी के सहारे हमें उसको बड़ा करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है आर द मनी प्लांट एंड ग्रिपविन ग्रेविन। देखिए आप ये देखिए है ना, मनी प्लांट देखो यहाँ पे एक लकड़ी के सहारे इसको ऊपर भेजा जा रहा है। क्रीपर्स ये देखिए आप, इसे भी किसी के सहारे से ऊपर भेजा जाता है ना। अब इसके बाद है क्रीपर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टीम एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड। उनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये ग्राउंड के अंदर फैलती है। दे आर कॉल्ड क्रीप्स, इसको क्या कहते हैं, क्रीप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये वाटरमेलन, क्योंकि यह जो होती हैं ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड में ही फैलते हैं, ये ऊपर नहीं जाते हैं है ना, ये ग्राउंड के ही अंदर ज़मीन पे फैलते हैं। ये इसको हम ना तो किसी के सहारे ऊपर भेज सकते हैं और ना ही ये बड़े पेड़ की तरह होता है, ये पूरी बेल ज़मीन के ऊपर ही फैली होती है ना। जैसे वाटरमेलन लगता है, तरबूज लगता है, स्ट्रॉबेरी लगती है, इन इन और इस प्रकार की कई वो होती है, कई कई प्लांट्स बेल होती है ऐसी जो जिन पे ये लगते हैं है ना, तो ये ग्राउंड में ही फैलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको टाइप ऑफ प्लांट्स, कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं। एक बड़ा पेड़ होता है, एक छोटे छोटे पौधे होते हैं जो उसमें लगते हैं, गमलों में लगते हैं, और कुछ बिल्कुल नाजुक होते हैं है ना, और कुछ होते हैं जो लकड़ी डंडी के सहारे ऊपर भेजा जाता है जिनको, और कुछ ज़मीन पर ग्राउंड में फैलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप पार्ट्स ऑफ प्लांट है ना। आ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स, प्लांट्स के कई पार्ट्स होते हैं। लेट अस लुक एट द टोमाटो प्लांट गेन लो, ये जो टोमाटो का जो प्लांट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर यूजेज, और इनके अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो चलो अब हम आते हैं नीचे से है ना। ये है रूट, इट इज़ द पार्ट दैट फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड। इट आल्सो टैक्स इन वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट। ये जो देखें आप, ये ज़मीन के अंदर जो जड़ देख रहे हैं आप, तो यहाँ एक बीज डाला जाता है जिसके ज़रिए ये जड़ें बनती हैं, पेड़ की जड़ें बनती हैं ना, और ये ज़मीन के अंदर होती है जो पानी और ये सभी इनका इसका भोजन होता है जो ग्रहण करती है कहाँ से, ज़मीन से। ठीक है, फिर इसके बाद होती है स्टीम, इट इज़ द पार्ट दैट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो फिर इसके बाद क्या होती है, जब बाहर निकलता है ज़मीन से ये जब बाहर निकलता है तो ये इसके ना एक स्टीम बनती है जो इसके अदर पार्ट्स पे क्या करती है, इसका भोजन भेजती है ना, स्टीम के ज़रिए ये आगे तक पहुँचता है इसका भोजन। ठीक है, तो ये ज़मीन से निकल के थोड़ी छोटी स्टीम से बनते हुए छोटा सा पौधा बनती है। ठीक है, तो ये स्टीम बनने के बाद यहाँ पे क्या आता है, इस पर लीफ आती है। इट इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। और ये देखिए आप, लीफ इसमें जब ये रूट बनी, रूट के बाद स्टीम बनी, स्टीम के बाद इस पर क्या आई, पत्तियाँ आ गई है ना। ये पत्तियाँ हैं इसकी ग्रीन कलर की, और ये ग्रीन पत्तियों से भी भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पत्तियां आने के बाद इस पर क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं। इट इज़ द पार्ट दैट प्रोड्यूस फ्रूट्स, जो ये है ना, इसमें फ्लावर्स आते हैं जिससे फ्लावर्स के अंदर से इसमें फ्रूट बनता है। ठीक है, तो फ्रूट इट इज़ द पार्ट दैट हैज सेट्स, जो हमने बीज जिस चीज़ का डाला है, जो जिस चीज़ का हमने ज़मीन में जो बीज डाला है उससे जो ये फ्रूट पैदा हुए हैं, ये फ्रूट बने हैं ना। इसके बाद है स्टेड बीज, इट इज़ दैट पार्ट फ्रॉम विच अ बेबी प्लांट ग्रो, इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रूट। जो फ्रूट होता है उसका जो बीज ज़मीन में जाता है, एक बेबी प्लांट पैदा होता है,
तो उसके मेन कारण क्या होता है, उसका बीज होता है, उसके शेड होता है। ठीक है, ये हमने इस प्लांट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेपर पे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, दे नीड सनलाइट एयर एंड वाटर फॉर मेकिंग फूड। जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। पता है किससे बनाते हैं वो? सनलाइट, सूर्य की किरणों से, हवा से और पानी से इनको भोजन मिलता है। आप कभी भी देखें, एक छाया के अंदर कोई पौधा लगा के देखें, वो कभी भी बड़ा नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसा कि आप एक सूरज की रोशनी वाली जगह पर, जहाँ पे अच्छी हवा आती हो, उसको पानी मिलता हो और सूरज की रोशनी भी मिलती हो, तो वो पेड़ क्या करेगा? अच्छा ग्रोथ करेगा, है ना। सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन, और जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड रखते हैं। कहाँ कहाँ रखते हैं पता है? रूट्स में, स्टीम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में एंड सेड्स में, इन सब में क्या रखते हैं वो? अपना एक्स्ट्रा फूड रखते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फूड जहाँ होता है वो फूड ये है, देखो इस आप इस डायग्राम में देखिए। ठीक है ना, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है होमवर्क के अंदर, आपको ये एक ये वाला जो टोमाटो वाला जो प्लांट है ये बना के, इस प्लांट का डायग्राम बना के, और ये क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या ये वर्क करते हैं, उसके बारे में इसको लिखना है आपको। ये सभी इसकी हेडिंग, ये लाइन, फ्लावर, शेड, स्टीम, लीफ, फ्रूट एंड रूट, ये सब आपको इसके बारे में इसमें लिखना है ना बेटा। आप सब बच्चों को ये वर्क करना है, यही आपका होमवर्क है। और ये मैं आपको रिवीजन वर्क करवाया है, आज से अपना रिवीजन वर्क शुरू हो गया है। जो भी बच्चे पीछे हैं, जिनका वर्क बाकी है, वो ज़रूर इसको कर लें अब। ओके बच्चों, थैंक यू।